बीजेपी। साउथ दिल्ली के पौफ इलाके के लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट पार्क में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा प्लास्टिक की बोतलों की रिसाइकिलिंग करने वाली मशीन का उद्घाटन किया गया। इस मशीन के जरिए प्लास्टिक की बोतलों की मशीन में डालकर उसे रिसाइकिल किया जाएगा। एमसीडी की तरफ से G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर G20 के स्थानों पर ऐसी मशीनों लगाने की योजना बनाई जा रही है जहां बड़े पैमाने पर बोतलों की खपत होती है। प्लास्टिक है वो एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। अब प्लास्टिक को अलग करना बहुत आवश्यक है और इसलिए हमने प्लास्टिक की क्रशिंग मशीन यहाँ पर लगाई है और प्लास्टिक की जो भी वेस्ट है उसको वहाँ पर अलग करके फेंका जाए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री के अली गांव के लोगों ने और यहाँ के स्थानीय आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद के द्वारा विरोध किया गया। इनका कहना है कि मंत्री जी सिर्फ छोटी छोटी मशीन का उद्घाटन करने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ अपर सेवा नगर में लोगों की रोजी रोटी को हटा दिया गया तब उन्हें हमारी कोई सुनवाई नहीं की। वोट लेने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद हम लोगों की सुनती भी नहीं है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते वक्त निकलते हैं, स्कूल के बाद निकलते हैं, हमारी लेडीज मतलब जो घूंघट डाल के मतलब जो है सब्जी वगैरह मतलब जो खरीद फरोख के लिए निकलती हैं, और इतना कॉन्गेशन हो गया ट्रैफिक का, रिक्शाज हैं, ई रिक्शाज हैं और ये क्या नाम ऑटोज हैं और फिर सभी तरह का ट्रैफिक, उसमें व्यवहार तो मतलब पुलिस वाले देखा नहीं, आप धकेल रहे थे मतलब खींच रहे थे, सुनने को तैयार नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए, वो सुनने को तैयार नहीं है। अरे भाई आप मतलब नई दिल्ली की मतलब MP हैं, सिर्फ मतलब जो यहाँ डिफेंस कॉलोनी जहाँ हम खड़े हैं, किसान इन लोगों ने ही आपको नहीं जिताया है, हमने भी आपको वोट दिया है, और सिर्फ इस रोड के भीषण पिता मार के परे चले जाइए और इधर चले जाइए, एक और स्वर्ग है एक और नरक का मतलब नार के दृश्य उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों? आप क्या हमें ये भी अधिकार नहीं कि हम अपनी व्यथा को आप तक पहुँचा सकें? क्या इसमें भी मतलब आपको सुनने में भी कोई परेशानी है? पहले तो आप मतलब जो पता नहीं क्या क्या मतलब जो बन जाते हो, बहन जी बन जाती हो, माता जी बन जाती हो, दादी जी बन जाती हो, और अब मतलब जो हम आपके मतलब लिए तुच्छ प्राणी है। तो जो सेवा नगर के अंदर 300 से ज़्यादा दुकानों को तोड़ा गया, सांसद जी एक दिन भी क्या उनसे पूछने पहुंची कि आप लोगों का घर कैसे चल रहा है, आप लोगों के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, आपके घर में खाने के लिए कुछ है? वो जो वहाँ पर 2.5 से 3 लाख की आबादी आज परेशान है, डिफेंस कॉलोनी लाजपत नगर जंगपुरा के लोग परेशान हैं, कोटला के लोग परेशान हैं, उस सेवानगर के रास्ते को बंद होने की वजह से, क्या एक बार जानने की कोशिश करी? सांसद केवल एक ही चीज़ जानता है, मोदी के नाम पे वोट पड़ा है, नहीं तो गली का एक छोटा सा चुनाव जीत के दिखा दे मैं अपना नाम बदल दूँ। मीनाक्षी लेखी को अपने साउथ एक्सपार्टू की बता दूँ मैं, आप साउथ एक्सपार्टू में जाके देखें, इनके घर के आसपास का एरिया साफ़ रहता है, बाकी का कहीं एरिया साफ़ नहीं रहता। क्यों रहता है? सिर्फ डर की रहा है। लीगंज, कोटला, खैरपुर, जोड़बाग, पिलंजी, और हमारी कम से कम 2-2.5 लाख से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन है। तो कुछ बोला इन्होंने समस्या को लेकर? समस्या के लिए इन्होंने कहा कि आप ज़मीन ले आओ खरीद के और पार्क मैं बनवा दूँगी। जब ज़मीन ही हम खरीद के लाएंगे तो आपको हीरो क्यों बनाएंगे, पार्क भी हम ही खुद बनवा लेंगे। और ये ज़मीन किसकी थी? देश आज़ाद होने से पहले ज़मीन हमारी ही थी, जो देश आज़ाद होने के बाद गवर्नमेंट के हिंदुस्तान के पास चली गई, हिंदुस्तान के बाद कांग्रेस का राज आया, कांग्रेस ने हमें सब चीज़ यूज़ करने का मौका दिया, आज कांग्रेस नहीं है BJP आ गई है, तो BJP वालों ने हमसे सारे अधिकार छीन लिए। क्यों भाई, हम पाकिस्तान से आए हैं क्या जो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है?